मंगलवार की शाम दिल्ली से लौटे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में प्रेस वार्ता कर कई मुद्दों पर प्रदेश की भाजपा सरकार के ऊपर निशाना साधा। बस्तर में पत्रकारों की गिरफ्तारी मामले में भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा सरकार पत्रकारों को झूठे केस में फंसाने का काम कर रही है। अवैध रेत उत्खनन की रिपोर्टिंग पर गए पत्रकारों को गांजा तस्करी के झूठे केस में फंसाया गया। सरकार को ये लिख कर देना होगा कि हमारे भ्रष्ट अधिकारी ने पत्रकारों को फंसाया है। एनआईए मसले पर भूपेश बघेल ने कहा कि एनआईए के जिस टेरर फंडिंग मामले में अभी कार्रवाई हुई है, उसी मामले में भाजपा नेता महेश गागड़ा के भाई और अन्य भाजपा नेताओं की संलिप्तता की जांच क्यों नहीं की जा रही है। लेन देन के रिकॉर्ड है लेकिन एनआईए उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस मामले में अभी कार्रवाई हो रही है उसी मामले में पेखन गागड़ा रायडू के भी लिंक है, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तब तब एजेंसियों का किस प्रकार से दुरुपयोग होता है ये आपको देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एनआईए ने 4 गिरफ्तारियां की और उन्होंने कहा ये टेरर फंडिंग है, और यदि वो टेरर फंडिंग है तो फिर जो विक्रम मंडावी ने जो आरोप लगाया है कि वहाँ के पूर्व वन मंत्री भाजपा नेता महेश गागड़ा के रिश्तेदार और जिले के उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू ने तेंदू पत्ता ठेकेदार सुधीर कुमार माणिक से जो पैसा वसूला, ये उसी समय की बात है जिस समय ये 4 लोग गिरफ्तार किए हैं। ये उसी के आसपास के समय है जिसमें उनके भाई के खाते में भी, रिश्तेदार के खाते में पैसा गया। ये उसके डिटेल आप देखेंगे, ये चेक है, चेक नंबर है, उसके दस्तखत है। तो सवाल ये उठता है जब ठेकेदार वही है, पैसे खाते में डालने काम जब 4 आदिवासी लोगों के खाते में जब डाला गया और वही ठेकेदार भाजपा नेता के खाते में डाला गया, महेश गागड़ा के भाई के और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के खाते में डाला गया, तो फिर दो प्रकार के व्यवहार क्यों? यदि वो टेरर फंडिंग है जिस बिना पे एनआईए ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो ये भी टेरर फंडिंग है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अभी तक के हम लोगों ने ट्वीट किया उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कल विक्रम मंडावी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जन जाके एनआईए ऑफिस में ये ज्ञापन सौंपेंगे कि उसी प्रकार के कार्रवाई महेश गागड़ा के भाई ने भी के साथ भी हुआ है। ठेकेदार वही है और वही उसके खाते में पैसा डाला गया, पैसा लगभग 90 लाख रुपए की है। जब 60 लाख राशि में 4 लोगों को आपने गिरफ्तार किया है तो फिर 90 लाख जब जिनको दिया गया है, 2 लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? तो ये सेंट्रल एजेंसी का ये दुरुपयोग का हम लोग तो लगातार पूरे देश में बोल रहे हैं, यहाँ भी देखने का आ रहा है। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है और एनआईए की जब जानकारी हो चुकी है तो फिर यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? दूसरा प्रकरण उसी बस्तर में आप देखेंगे, पत्रकार गए थे जहाँ अवैध रेत उत्खनन हो रहा था, माफिया व लगातार वहाँ ढुलाई कर रहे थे, तो फिर पत्रकारों की गाड़ी में 15 किलो गांजा डाल के उसको फंसाने का काम, ये पहली बार पत्रकारों के साथ नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी प्रकार से पत्रकारों को गलत ढंग से फंसाकर उसमें जेल में डालने का काम हुआ था, और उस समय आप याद करेंगे कि एडिटर गिल्ड जांच करने आई थी और फाइंडिंग में ही पाया गया कि सरकार के खिलाफ जो न्यूज़ जो पत्रकार ला रहे हैं वो सरकार के खिलाफ जा रहा है। इस कारण से पत्रकारों को गलत मामले बना के जेल में ठूसा जा रहा है। तो अभी भी आप ये तो जीता जागता उदाहरण है, पत्रकार गए थे अवैध रेत उत्खनन के मामले की जांच करने, उसकी स्टोरी बनाने, और उसको ही गिरफ्तार कर दिया। पता चला है कि उस थानेदार को शायद निलंबित किया है, लेकिन चूंकि ये 2 राज्यों के बीच का मामला है, इस निलंबन से बात नहीं बनेगी। उसको राज्य सरकार को, डीजी को, वहां के डीजी से लिख के देना पड़ेगा कि हमारे षड्यंत्रकारी अधिकारी ने पत्रकारों को गलत ढंग से फंसाया है और वो हमारे अधिकारी की गलती है, पत्रकारों को कोई गलती नहीं है,
तब जाके मामला बनेगा, क्योंकि गांजा का मामला है इसमें तो बेल भी नहीं मिलना है, हाई कोर्ट तक की जमानत नहीं मिलती, तो फिर पत्रकारिता किस प्रकार से होगी या नहीं? देखिए एक चीज ये है कि मैं पहले से ये नहीं कह सकता कि टेरर फंडिंग है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। जब आप टेरर फंडिंग के नाम से 4-5 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, बीजापुर के 4 लोगों किए हैं, और वही व्यक्ति ये पेखन गागड़ा और रायडू दोनों के खाते में पैसा डाला है, और उसी समय भी वही है, महीने 2 महीने का अंतर हो सकता है, लेकिन उसी समय पैसा डाला है, तो फिर इनकी गिरफ्तारियाँ क्यों नहीं? मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्या है क्या नहीं, है ना, वो तो जांच का विषय है, तो जांच के दायरे में जब ले रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के इसलिए छोड़ा गया? और जहाँ तक संतोष पांडे की बात है, वो तो राजनीतिक बात करके, क्योंकि उसको खींच है, तकलीफ है, इस कारण से कुछ भी बोल के